हेलो फ्रेंड्स, शुभ वास्तु में मैं रीटा जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको घर में फर्श यानी कि फ्लोरिंग का लेवल कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइए। शुभ वास्तु चैनल मेरा एक प्रयास है वास्तुशास्त्र के ज्ञान को सरल और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का। अगर वास्तुशास्त्र इस सब्जेक्ट में आप नए हो और इस सब्जेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अगर आप आपके घर या फिर कार्यस्थल का वास्तु मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए ईमेल आईडी पर मुझसे संपर्क करें। फ्रेंड्स, कभी कभी घर का इंटीरियर करते समय डिजाइन के कुछ तत्वों को शामिल करने के लिए फर्श को घर के किसी भाग में ऊंचा और किसी भाग में नीचे कर देते हैं, पर ऐसा करने से अनजाने में घर में वास्तु दोष भी निर्माण हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर में फ्लोरिंग का लेवल यानी कि फर्श का स्तर कैसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे तो घर में घर का पूरा फर्श एक ही लेवल यानी कि एक ही स्तर पर होना चाहिए, पर घर का इंटीरियर करते समय अगर आपको फर्श का स्तर बदलना हो तो आपको वास्तु के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तु के नियम के अनुसार घर के नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाओं को कभी भी घर के अन्य दिशाओं से ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। इससे कई वास्तु दोष निर्माण होने की संभावना होती है। चलिए इसे और डिटेल में इस डायग्राम से समझते हैं। वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की दिशाओं को सबसे नीचे लेवल जीरो पर होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट को लेवल एक पर, साउथ ईस्ट को लेवल दो पर और साउथ वेस्ट को सबसे ऊपर लेवल तीन पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि घर का पूरा फर्श अगर एक ही स्तर पर होता है तो इसे अच्छा माना जाता है, घर में फर्श के अलग अलग स्तरों को अच्छा नहीं माना जाता है। पर अगर आप चाहो तो घर में साउथ वेस्ट की दिशा के फर्श को अन्य दिशाओं से थोड़ा ऊंचा रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये कुछ सिंपल वास्तु टिप्स है घर के फर्श के स्तर के लिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई और क्वेश्चन या क्वेरीज है या फिर आप कोई वीडियो सजेशन करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। तब तक के लिए शुभ वास्तु एंड हैप्पी लिविंग।